हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से। और बच्चे उठ गए थे और सुबह फिर वो नहाकर उन्होंने बोला कि अब क्या करें, तो मैंने बोला तुम चलो सूंड बना लो। तो उनके लिए मैंने पहले से ही ये रेक्टेंगल पीस काट लिए थे जो पेपर होते हैं उनके, और रक्षिता को दे दिए थे। तो और रात को ही मैंने जो गहरू होता है ये भिगो कर रख दिया था, और इसी से ही हमारे यहाँ पर ये सौण बनाए जाते हैं। और सौण जो होते हैं ना, ये रक्षाबंधन पर जो दरवाजे होते हैं इनके दोनों तरफ लगाए जाते हैं और इनको जमाया जाता है। तो इस तरह से रक्षिता ने ये सौण बना लिए थे, और कन्वी उसकी हेल्प कर रही थी, थोड़ा परेशान भी कर रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सूंड की थाली भी तैयार कर ली है और अब हम सूंड लगाएंगे। तो रक्षिता ने सबसे पहले जो मेन गेट होता है वहाँ पर लगाया, फिर उसके बाद अंदर और घर में जितने भी दरवाजे होंगे उनके दोनों तरफ लगाए जाएंगे, जैसे पोठे बोलते हैं ना उस तरह से दोनों तरफ लगाए जाएंगे। और इस तरह से उनको खाना खिलाकर राखी बांधी जाती है और फिर उनको जल चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हमने सारे जितने भी दरवाजे घर के सब पे लगाया। और खाने में फ्रेंड्स, आज मैंने सूजी का हलवा, छोले की सब्जी और जो सेई की होती है ना उसकी खीर बनाई, और आटा लगाकर मैंने रख लिया था कि मैं गर्मा गर्म पूरी बना दूँगी। खाना भी हो गया है और मेरा घर का जितना भी काम था मैंने सारा कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो बोल रही थी कुछ काम चल रहा है घर में। तो फ्रेंड्स, मैंने ये रेलिंग लगवाई है घर के तीनों तरफ, और इस तरह से ये रेलिंग लगी है। और कैसी लगी फ्रेंड्स आपको? और काम देखिए सारा हो ही गया, और उसके बाद हम फ्री थे तो तैयार होकर हमने किया, फ़ोटो वोटो खिंचवाई हमने, और सभी को वीडियो कॉल किया, अपनी दोनों जीजी पे, घर पे, सब पे, सबको कॉल करके। और फिर हो गया था मुहूर्त का टाइम, और उसके बाद फिर हमने मनाया अपना रक्षाबंधन का त्यौहार। और रक्षिता ने सबसे पहले जो विनायक बाबा हैं उनको राखी बांधी, उनकी पूजा की, और फिर कन्वी ने भी इसी तरह से राखी बांधी और पूजा की। और कन्वी थोड़ा देखकर सीख रही है कि कैसे क्या करना है उसको। और फिर रक्षिता ने अपने जो पापा हैं उनको भी राखी बांध दी थी, क्योंकि मेरी जो दोनों ननद हैं उनकी ये राखी आई हुई है। तो एक की रक्षिता बांध देगी और एक की कन्वी बांध देगी। तो उसी तरह से कन्वी बस देख रही थी कि उसको भी कैसे क्या करना है। और फ्रेंड्स, जो घर से बाहर रहते हैं वो इसी तरह से एक दूसरे को राखी बांध कर ही रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है वो मना लेते हैं, और बच्चे भी बस थोड़ा खुश हो जाते हैं। त्यौहार तो देखो घर पर जो सब साथ में होते हैं ना तभी मनाएं, तभी ज़्यादा मज़े आते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं उनको भी चीज़ें तो सारी ही करनी होती है। तो इस तरह से कन्वी ने भी अपने पापा को राखी बांध दी थी, और मैं उसे बोल रही थी कि कुछ मतलब पापा को मीठा भी खिला, बस वो करके फटाफट भग रही थी वहाँ से। फिर रक्षिता ने मेरे को भी राखी बांधी क्योंकि मेरी भी राखी आई हुई है, और इस तरह से ही रक्षिता ने मेरे को बांधी, फिर दोनों बच्चों ने एक दूसरे को बांधी। इस तरह से हमारा बन गया था रक्षाबंधन का त्यौहार। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे मनाते हो अपना रक्षाबंधन का त्यौहार? जो लोग बाहर रहते हैं वो तो इसी तरह से हमारे जैसे ही मना लेते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे और सब्सक्राइब भी करके जाएं। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और आप सभी इसी तरह से खुश रहें, सभी बहनें आए अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं करें, वो भी खुश रहें। और इस तरह से पहले रक्षिता ने राखी बांधी, फिर कन्वी ने रक्षिता को राखी बांधी, और बस वो राखी का लिए चू कर रही थी कि आपको कौन सी राखी बांधू, उनकी दोनों की ऐसी तरह से लड़ाई चल रही थी। लेकिन वो जितना लड़ती हैं उतना एक दूसरे का भी बहुत ख्याल रखती हैं वो। और इस तरह से हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार मना। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स, राम राम जी। मिलते हैं इसी तरह के नए ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।